अब होना के जो मलिक साहब ने चीजें बताई हैं अगले 24 घंटे में अगर ऐसा ही होता है गैस तो नहीं मिलेगी। ऐसा होता नहीं है, होना है, होना है जी। हो रहा है इस वक्त, हो रहा है इस वक्त, वो चेकिंग कर रहे हैं, उनकी ड्यूटीज लगी हुई है, वो निकल चुके, साइन हो गया काम। बिल्कुल मलिक साहब ने जो कहा ना, अब उसका रिएक्शन ये बात आप इनके आने से थोड़ी देर पहले बता रहे थे, ये बता रहे थे इसी तरह मलिक साहब ने जो बताया ना, अब जरा रिएक्शन बताने लगे खोकर साहब, जरा सुने ये रिएक्शन क्या आने लगा। नहीं, इन्होंने रिएक्शन बड़ा खौफनाक बताया था, अभी ये कहते हैं लाहौर में 2-4 दिन गैस नहीं मिलनी सर, और ये चूल्हे ठंडे करवाने लगे, बहुत बड़ा रिएक्शन बताने लगे। सुन लो जरा, अभी सुन लो, अभी सुन लो जरा, ये मलिक साहब और मलिक साहब साथियों ने ये मुझे जो इज्जत बख्शी ना यहाँ पे, जो मैं चेयरमैन हूँ, इन दोस्तों का मैं भी कभी जिंदगी में दे नहीं दे, लेकिन एक इनसे मेरा वादा कि मैं कभी गलत बयान से काम नहीं। अब उसका रिएक्शन क्यों ना मैं बता दूंगा। आज प्लांटों पे जो गैस पहुंची वो भी खत्म हो जानी है रातों रात, और कल तक आप देखेगा वो दोबारा गैस नहीं मिलनी। मैं जो ऑपरेशन के बाद जो मसूनी किल्लत थी वो जेन्युइन किल्लत में बदलने की तरफ इकदाम उठाए जाएंगे सर? नहीं होगी, गरीब दुकानदार भी पकड़ा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर भी पकड़ा जाएगा, प्लांट वाले तो कभी नहीं पकड़े जाएंगे, मैं आपको बता दूं, वो ताकतवर लोग हैं। ये पाकिस्तान की तरीका पहला वाकया जो लाहौर में हो रहा है, कभी नहीं हुआ सर। आप देखिए वो लाहौर से गैस ले जाएंगे, गुजरांवाला गुजरात ले जाएंगे, लेकिन लाहौर में नहीं आएगी सर, गैस लानी पड़ेगी, लानी पड़ेगी गैस। हुकूमत सोए मलिक साहब की बात बता दूं, डीसी लाहौर सालिया सईद ने 35 जिला के जहाँ जहाँ पे ये इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जहाँ जहाँ पे भी इनके ये ट्रक वगैरह कंटेनर वगैरह निकलते हैं, बोजर निकलते हैं, तमाम डीसीज को फ़ोन किए हैं, उनको कहा कि अपने अपने शहरों में जो है वो छापे मारे जाएं, और तमाम तक चूँकि शहर लाहौर एक बड़ा मॉडल शहर है, यहाँ पर गैस की किल्लत जो है वो मसनू हो गई है, जिसकी वजह से आपके इलाकों से जो भी बोजर निकल रहा है उसको खड़ा ना होने दें, उसको फौरी तौर पर शहर लाहौर की तरफ भेजें, ताकि शहर लाहौर में जो है वो LPG की जो मसनू किल्लत है उसका सामना जो है वो ख़त्म हो और लोगों को आसानी से गैस मिल सके। साहब बात इजाफा कर ले, 40 बोजर भाई पेरू के साथ पीछे खड़े हैं, 40 बोजर मैं 40 बोजर LPG के ये ब्लैक मार्केटिंग करने वाली कंपनियों ने और डिस्ट्रीब्यूटर ने पीछे खड़े किए हुए हैं, वो ऐसा ऐसा बोजर शहरों में दाखिल कर रहे हैं कि मार्केट में गैस की किल्लत पैदा हो और हम ऐसा ऐसा बोजरों को आगे भेजें ताकि रेट अप हो। ये निशानदेही कर रहे हैं कि भाई पेरू के साथ पीछे 40 बोजर खड़े हैं, वजीर आला साहब एक्शन करवाए, वो बोजर कब्जे में ले, हुकूमत अपने कब्जे में लेकर पब्लिक को वो LPG सप्लाई करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस वाले से DC को कह दिया गया है कि भाई पेरू का भी कहा गया है, मच्छ के मुकाम का भी कहा गया है, अमरीके का भी कहा गया है कि वहाँ पे जितने भी बॉजर हैं वहाँ पे खड़े ना होने दें और उनको यकजा होकर एक ही लाइन में लगाकर सीधा शहर लाहौर में भेजें ताकि जो किल्लत है खत्म हो। फास्ट साहब मैं आपको एक बात बताऊँ, LPG देखें कंट्रोल है ना, कंट्रोल कैसे करनी है, एक माफिया ये कहते हैं ये माफिया है, मैं ये कहता हूँ कि होती क्यों है, ये होती ऐसे है कि जैसे ही कोई रक्षा वगैरह टिकटिंग होती है हो रही है खुलेआम हो रही है, जितने मर्जी लेटर आ जाएं रक्षा ने चलना इस, क्योंकि सस्ती है ना, 113 रुपये किलो है, मगर 170-180 नामनासिब है, बहुत ज़्यादा रेट है। अब रक्षों के खिलाफ क्या एक्शन होगा? रक्षों ये तो पहले भी हो रहा है, रक्षों को बिल्कुल इसके ऊपर पाबंदी है और हर गिज जो है वो जिले इंतजामिया रक्षे खोकर मजीद साहब, आप कितने सालों से इनको कह रहे हैं, कभी आज तक यही बात आपको खोकर साहब कह रहे थे, आप बुरा मना रहे थे। ये 200% LPG रक्षे में सस्ती है, 60 रक्षा है लाहौर, 85,000 आप 85 हो गया, अच्छा जी 85,000 रक्षा है, ऑन रोड 60,000 रक्षा है, जो जिले इंतजामिया की रिपोर्ट है उसमें तमाम लोगों ने LPG लगाई हुई है, ये नहीं कि किसी ने कोई चलते फिरते बम है, रक्षा चलते फिरते बम ऐसा ही है, और ना को वो बम तो क्यों साढ़े बेचारे सुबह ड्राइवर फड़वाने ने तुसी ये सिलेंडर फिर आए कहाँ से, फिर बाद में ही पे चली जाएगी इधरों यार ये गोल चक्कर है, सिलेंडरों के खिलाफ इरफान खोकर ने सिलेंडरों के खिलाफ गैर मियारी सिलेंडरों के खिलाफ जंग लड़ी है, हम अप्रिशिएट करते हैं। मगर देखिए बात कैसे प्रोग्राम के वजीर साहब ने बात कैसे घुमाई है, आप उनको पकड़ने लगे थे, उन्होंने इरफान खोकर को खराजे, वो सिलेंडर तो डिस्ट्रीब्यूटर से आए ना, ना वो ओगरा के रजिस्टर्ड सिलेंडर ही नहीं है, मेरे बात यही बात है, ओगरा से हमें रक्षा 60,000 रक्षा, किसने कहा इरफान खोकर को भाई सिलेंडर पैदा करो, किसने कहा, इन्होंने ये सारे आपस में एक है, यहाँ पर मामला से LPG का हो रहा है, यहाँ पे LPG की वजह से ये एक दूसरे को ना तो मेरा जवाब दे ना, मेरा सिलेंडर का कारोबार है, सुन ली
ना मेरा कोई सिलेंडरों का कारोबार, ना मेरा कोई एलपीजी का, ना मेरा कोई रक्षों का कारोबार है। हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हाफिज मदर जलानी साहब, नुमान साहब और हमने मिलकर ये तो तंजीम बनाई है, अल्लाह की रजा के लिए खिदमत करते हैं और अवामी मसाइल को हम अवामी रक्षा यूनियन के प्लेटफॉर्म पे उजागर करते हैं। सिलेंडर क्यों नहीं उतरते, क्यों चलते फिरते बम चल रहे हैं? फासा से पूछ लें, हमने बड़ी कावश की है इसके ऊपर। हम चाहते हैं कि ओगरा रक्षा ड्राइवरों को ओगरा से मंजूर शुदा सिलेंडर फराहम करें, हम लेने के लिए तैयार हैं। इस बात पर आपकी यूनियन में एक और लीडर आ रहे हैं बाहर के जी, अगर ये इस बात पर खड़े होंगे तो हम दूसरी यूनियन बना लेंगे। नहीं नहीं, हमारी यूनियन में ऐसा कोई बात नहीं है। बंद होते आपके चलते फिरते रजा कराना भी ऑफर है इनकी, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसी भी बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 यूनियन आई है। आप समझ रहे हैं कि फारूक सत्तार साहब जो है लाहौर में हो सकता है इस चक्कर में आए थे? 60,000 लोग यार, इस तरह नहीं है, वो बड़े लीडर है यार, इस तरह नहीं। एक गुजारिश मेरी मजीद गौरी साहब से गुजारिश है कि आप हमारे दुकानदारों के खिलाफ बोलते हैं, 80,000 रक्षा चल रहा है, आप डीसी ऑफिस की हेल्प कर रहे हैं, कोई रिकॉर्ड देके 50 रुपए किलोमीटर 200। ये सारा मेरी बात सुन लें, डीसी ऑफिस की यही हेल्प करते हैं और कोई नहीं करता, यही बताते हैं सब कुछ जाके उधर कि ये हो रहा है, ये कंपनी सारा कुछ कर रही है और यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आज तक पता नहीं चला खोकर साहब है किसके साथ। अच्छा मुझे पहले बताएं, आपको पता चला? इनसे आपको पता चला? नहीं सानू बिल्कुल। कैसे आर्टिस्टिक इंसान है, एक मिनट, कैसे आर्टिस्टिक इंसान है, पकड़ लिया। सीएम के साथ भी थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ भी थे, मौजूदा सीएम के साथ भी है, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के साथ भी है। आप एक एक्स की बात कर रहे हैं, मैं उसके पिछले एक्स की भी बात करूंगा। ढेरों एक्स सारे निकलेंगे, में भी थे, नो लिंग में भी थे, अब तरीके साहब में भी है, 2008 से चल रहे हैं। इनकी मजबूरी है, काफ में भी थे, काफ में भी थे, बिजनेसमैन और सरमायादार है, इनकी मजबूरी है कि हर हुकूमत के साथ। जब आपकी एलपीजी आई थी मेरे सामने, इनको सजाद भुट्टा ने पकड़ लिया था, इसको हाथगिरी लगा दो, मेरे सामने ये सारी बात हो चुकी है 2007 में। सजाद भुट्टा डीसीओ लाहौर थे, ये मियां जहाज तो थोड़ा सा वक्त रह गया था, तो इनको पकड़ लिया गया था, इनको हथकड़ी लगी थी इस बात पे। ये डीसी ऑफिस में हुआ था, पुराने डीसी ऑफिस में जहाँ पे आप कमिश्नर हो। खोकर साहब को हथकड़ी लगने लगी थी ना, अब तो दर्जनों लोगों को हथकड़ियां लगने वाली है। खोकर कुछ नहीं थे, अब इरफान खोकर एक नहीं है, अब इरफान खोकर शहर लाहौर में 500 है, अब इरफान खोकर शहर लाहौर में 500 है, इन्होंने पूरा एक सोच दे दी है। कारोबार किस तरह करना है? बिल्कुल सही। मैं गौरी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपकी मौजूदगी में, गौरी साहब मेहरबानी करके अगर एलपीजी इतनी महंगी है आप पेट्रोल डाल लें, और आपका रक्षा ड्राइवर जो है वो 200 रुपए 4 किलोमीटर के लेता, आप क्यों खिलाफ चल रहे हैं? 60,000 बंदों के खिलाफ। अच्छा बात ये मैं तमाम फिर मजीद गौरी साहब ने जुलूस ही निकालना, नहीं आज ड्राइवर सुन ले, रक्षा ड्राइवर मेरी, ये जो कुछ मजीद गौरी कराने जा रहा है ये आप पे चूल्हे ठंडे करेगा, इसको समझाएं, गोश के नाखून ले, अपनी सियासी दुकान बंद करें इंशाल्लाह। तो दुकान का मेना दे रहे हैं आपको बार बार एलपीजी इंशाल्लाह ओगरा की मकर करता कीमतों में हम सेल करवाएंगे, हम गवर्नमेंट की रेट को कम में बनाएंगे। इनसे मुतफिक नहीं हूं, वो चले रक्षा वालों के खिलाफ चल रहे हैं इस वक्त जैसे भी है जो भी है, मगर लोगों के हक में वो सदका जा रही है, वो बाहर निकले हुए हैं, किसी और की तो कोई हिम्मत नहीं है कि वो बाहर निकल के बोले, उनको क्या जरूरत है इतना टाइम वेस्ट करने की, उनको क्या जरूरत है ये आकर बोलने की। मगर आज इतनी थोड़ी बात है कि डीसी के ऑफिस में बैठे हुए थे, डिफरेंट सीट पर बैठे हुए थे, मगर डीसी ने इसलिए इनको कहा कि आपका काम है सिर्फ लोगों के लिए बोलें, ये ना कहें कि हम ये कर देंगे, वो इसलिए कि आपके तमाम रक्षों में एलपीजी गैर कानूनी लगी हुई है, चलते फिरते बम है, तो मैं एक्शन लूंगी इस बात पे। इन्होंने गलत ले ली उस बात का मतलब कि जी इस बात से हमें रोका जा रहा है। हाँ जी, हम आपके तवस्सुल से कह रहे हैं हुक्मरानों को कि खुदा के लिए चेयरमैन ओगरा को भी कर रक्षों के अंदर ओगरा से मंजूर शुदा सिलेंडर आप हमें दें, हम जो बाकी सिलेंडर है जो लगे हुए रजा कराना तौर पर हुकूमत और स्क्रैप के तौर पर जमा करवा देंगे। सर ओगरा तो कहती नहीं है कि सिलेंडर लगाएं, वो कहती है ये चलता फिरता बम है। आपसे भी सवाल है, जो घरों में छोटे छोटे एलपीजी सिलेंडर हैं उसमें भी तो क्रॉस फिलिंग होती है ना, क्या वो गैर कानूनी नहीं है? रक्षों में टिकेटिंग नहीं होती? ना उनमें भी फिलिंग करते हैं वो। मैं आपको बता दूं तो इस तरह ना करें, देखें लैब्स ना करें, मेयर्स हैं, एसओपीस बने हुए हैं, एक सिलेंडर है ना घर में 2 किलो का, 1 किलो का, 3 किलो का, उसके लिए एक बंदा जाता है जाकर उसको बढ़वाता है, और बाकायदा तौर पे इसका बढ़ाने का भी एक तरीकाकार है जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो एसओपीस के मुताबिक नहीं बैठे हुए वहाँ पे, बस ये चलो चला ही काम चल रहा है शहर लाहौर में, ठीक है इसी। और साथ ये होता है आप रक्षा वाला बैठा है माजरत के साथ, तमाम का रोजगार लगा हुआ है, रक्षा वाला बैठा होता है पीछे 3 सवारियां, वो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर की दुकान पर खड़ा करता है रक्षा, 4 सवारियों का लिहाज ही नहीं करता, चाहे अकेला जाए फिर अगर जाना है तो, 4 सवारियां, उन 4 सवारियों का तो कोई कसूर नहीं था, रक्षा चलता फिरता बम इसलिए है कि वो अगर सिलेंडर एक मिनट पे लीक हो जाए रीफिलिंग। एक मिनट सर मेरी बात, रीफिलिंग के लिए स्टेशन बनाना गौरी साहब ने बनाने थे? नहीं, किसने बनाने? ये डिस्ट्रीब्यूटर ने, इनको एसओपीस दिए हुए हैं सब गैर ने बनवाने।
हर तरह की कंपनी लोकल कंपनियां ये बना रही हैं, कोई इंपोर्टेड नहीं आता वहां पर, तमाम तार लोग जो हैं आपस में मिले होते हैं, जिसकी वजह से ये सारी परेशानियां सामने आती हैं। वो मेरा सवाल वहीं पे है, उन तीन सवारियों का क्या कसूर है, उन तीन सवारियों का? हां जी, बैठी हुई स्टेशन किसने बनाने थे? लाहौर, जब आपकी बात भी एक दफा चली थी मेयर ऑफिस के साथ, सेक्टर इंडस्ट्री से मुजफ्फर पाशा जो कमिश्नर लाहौर हैं, डॉक्टर मुजफ्फर पाशा, उन्होंने यहाँ पे बहुत काम किया है ताकि छोटे मिनी स्टेशन बने, ताकि ऑटो गैस स्टेशन पे ऑटो पे रक्षे को दे सके, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। ओगरा ने एक्सपोजर पे डाल दी, एक्सपोजर ने ओगरा पे डाल दी, बड़ी मीटिंग हुई लेकिन नाकामी हुई। उन्होंने बहुत काम किया, अभी वो लास्ट मुलाकात, वो चाहते हैं इस पे काम हो ताकि छोटे मिनी स्टेशन हो, वहां से गैस रक्षे को दी जाए और प्रॉपर कीमतों पे दी जाए। वो काम कर रहे हैं लेकिन ये एसओपी बने, इस पे काम हो। बात रुक जाती है, माफिया बहुत बड़ा है, बात रुक जाती है। हाँ जी मलिक साहब, जब मौजूदा जो लॉर्ड मेयर है उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसके कमेटी के हेड थे इरफान खोकर साहब, वो मैंने उस वक्त भी वहाँ पे कहा था कि हम ओगरा से मंजूरशुदा सिलेंडर लेने के लिए तैयार हैं। जब कमेटी बनी और इरफान खोकर साहब बन गए उसके हेड, तो फिर मैंने ये शहबाज साहब के प्रोग्राम में कहा था एक कमेटी बशीरा के घर पै गई है, वेखो कितों निकल दी। अच्छा, ये बड़ा मशहूर फिक्र है जिनका, ये बात ठीक है। मैं अगली बात कर देता हूँ फाह साहब, मैंने तब भी कहा था कि इरफान खोकर साहब को भी याद होगा, मैंने इनको कहा था कि आप जिस जगह पे आ रहे हैं इस जगह पे आपका काम नहीं होना, इख्तियारत नहीं है, इख्तियारत नहीं है इनके पास। इन्होंने डीसी ऑफिस में इनका जाना बनता था, वहां पर इनकी सुनी नहीं जा रही थी, और ये किसी तरीके से भी मेयर लाहौर को बीच में डालकर काम करवाना चाह रहे थे, मगर इनका काम नहीं था। मलिक साहब, 2013 के बाद आके ये बैन हुई है रक्षे में, 2013 से पहले ये लीगल थी रक्षे में। रक्षा ड्राइवरों का कातल है ये, रोजगार बंद कराएगा ये, रक्षे बंद कराएगा ये, खरीद ले फिर हम कातल नहीं है। ओ खुदा के लिए, इसलिए मैं कहता हूँ क्या, फिर मैं कहता हूँ ना खरीदो, जब पेट्रोल पंप जाके नहीं बोले पेट्रोल पूरे शहर में, यार गरीबों को मैं घरों बिजली ऐसी चोर और चौकीदार दोनों मिले हुए हैं। आप एलपीडी माफिया और हुक्मरान डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनियों वाले सब मिलकर घरेलू सार्फिन और रक्षा ड्राइवरों को लूट रहे हैं। अब बात एलपीडी की महंगाई की हो रही थी, आपने उसको उठा के सिलेंडर पर ले आया, बात को चेंज ही कर दिया फरार होकर। तो वाह, वाकई कमाल आर्ट है। निशान अकमल अगर बता ही दिया, एक मिनट, निशान अकमल ने यह बताया मुझे पीछे से कि ये 2013 के बाद इनलीगल हुई है, उससे पहले लीगल थी रक्षे में। किट्टे मुशरफ दौर की गवर्नमेंट ने, मुशरफ दौर की गवर्नमेंट में ये किट्टे आई थी एलपीडी की, और तब ये सिलेंडर हमें मिले थे, उसके बाद 2013 के बाद ये इनलीगल हुई है, पहले लीगल थी। वजह बताइए, यही तो कह रहे हैं। पहली बात ये है, ये ऐलान करे ना करे, 200% एलपीजी सस्ती है, रक्षे में लोगों ने डालनी है, ये गरीब रक्षा तो यार खुदा दे वास्ते इन्हों का कातल है ना, बन मेहरबानी है इन्हें बच्चे रोटी खान दे, तेरी मेहरबानी मजीद गौरी, अपनी सियासी अल्लाह दिंदा रोटी, अल्लाह देता है बच्चों को रोटी भाई, आपसे महंगी एलपीजी ब्लैक यार कौन तेन करो, तेन सदा पे लेंगे जाओ, कमाल कर दे जाओ, पटक लेंगे क्यों ना ले। रक्षा ड्राइवर को एलपीजी सस्ती मिलनी चाहिए, ओगरा के रेट के ऊपर मिलनी चाहिए, मिलेगी सबर के मिलेगी, अब लूट के खा जाओगे सब कुछ, जड़े लूटन को अंदर भी जानगे, और सब सबर करना, देखे जरा आगे के देखे जाना, जिड्डी हिमायत करते पे हो। मैं अपने सिर्फ सार्फीन की रक्षा, गरीब ड्राइवर की मैद कर रहा हूँ, किसी की नहीं कर रहा हूँ, मैद करो तो गरीब रक्षा ड्राइवर। जी साहब, 2013 को तो उनको बताने थे, क्या हुआ, क्यों बंद हुई? ओगरा में एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से ये सारा माजरा शुरू हुआ। फिर मैंने गौरी साहब से एक लेटर पे रिक्वेस्ट ली, मैंने खुद लिखी कि जनाब इसको लीगल किया जाए, और उस वक्त ये प्रोसेस चल रहा है। देखें, एलपीजी पूरी दुनिया में ऑटो में लीगल है, और पाकिस्तान में जो एलपीजी गैस स्टेशन खुले हैं सर, वो किसी गैस स्टेशन खुला है तो ऑटो में डालने के लिए खुला है ना, तो सर एलपीजी स्टेशन लग सकता है लेकिन एलपीजी गैस नहीं डाल सकती, ये कानून देखे। किल्लत जो है जी गैस की, ये इसे देखना होगा कि हुकूमत किस तरह से टैकल करती है, और जिम्मेदारान का क्या तयन हो सकता है, और सिर्फ तयन करना बाकी नहीं है, फ्रेंसिक ऑडिट के बाद क्या ये बिहाइंड बार और जो लूटा हुआ पैसा है क्या वो वापस मिलेगा, और जो घरेलू सार्फिन है उनको एलपीजी क्या सस्ते दामों मिल सकेगी जो ऑथराइज रेट है, ये वो सारी बातें हैं जिनका आने वाले दिनों में बड़ा वाजे हमारे व्यूअर्स को जो है वो मैसेज मिल जाएगा और बड़ा वाजे जवाब मिल जाएगा। फाज शहबाज खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।